मंगलमय संत समाज, धर्म सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आदमी का बच्चा जब पैदा होता है तो एकदम असहाय होता है और अबोध होता है। यदि उसे उस समय ठीक से संरक्षण न मिले तो वह जीवित नहीं रह सकता। गाय घोड़ी भैंस बकरी कुत्ते बिल्ली अन्य जानवरों के बच्चे, यहां तक पक्षियों के भी बच्चे इतने असहाय नहीं होते। गाय का बच्चा पैदा होता है, गाय अपनी जीभ से चाट देती है, पैदा होने के आधा एक घंटे बाद ही बछड़ा उछलने कूदने लगता है। कितने जानवरों के बच्चे हैं जो दो चार दिन में भागने दौड़ने लगते हैं और अपने लिए खाने पीने का प्रबंध भी वे कर लेते हैं, लेकिन आदमी का बच्चा एकदम असहाय, और असहाय ही नहीं अबोध। आदमी के बच्चे की महीनों रक्षा करनी पड़ती है, महीनों क्या, दो तीन साल, चार साल, पांच साल तक उसे संभालना पड़ता है और हर बात उसे सिखानी पड़ती है। टट्टी पेशाब जाने के लिए सिखाना पड़ता है, खाने पीने के लिए सिखाना पड़ता है, कहां बैठना है न कहां नहीं बैठना है यह सिखाना पड़ता है, कपड़े पहनने के लिए सिखाना पड़ता है, बात करने के लिए सिखाना पड़ता है, हर काम तो सिखाना पड़ता है आदमी के बच्चे को। और माता पिता सिखाते हैं, दादा दादी नाना नानी सिखाते हैं, परिवार के लोग सिखाते हैं, संबंधी सिखाते हैं। बच्चा बड़ा होता है चार पांच साल का तो विद्यालय जाता है, वहां अध्यापक शिक्षक सिखाते हैं, सबको तो सिखाना पड़ता है। लेकिन आपने कहीं देखा है पशु पक्षियों को सिखाने का कोई विद्यालय? चूहे को कैसे पकड़ना चाहिए कोई बिल्ली अपने बच्चे को सिखाती है क्या? कोई पक्षी यह नहीं सिखाता अपने बच्चे को कि आकाश में निराधार कैसे उड़ना है? मछली अपने बच्चे को नहीं सिखाती है कि पानी में कैसे तैरना है? हर जानवर प्राकृतिक ढंग से अपने अपने जीवन व्यवहार और रक्षा का गुण लेकर के पैदा होता है। कैसे भौंकना चाहिए कुत्ता अपने बच्चे को सिखाता नहीं है? आदमी को तो बोलने के लिए सिखाना पड़ता है। कोई ऐसा बच्चा हो जो पैदा हुआ हो और पैदा होते ही उसे एकांत कमरे में रख दिया जाए, मां उसे समय समय से दूध पिला दे, उसकी और जो अन्य आवश्यक काम है उसके सब पूरा कर दे, और बच्चा बढ़ता जाए उसके जीवन गुजर की सब चीजों पर उसे देते जाए लोग, उसके सामने कोई बात न करे बोले न, तो बड़ा होकर के भी बोलना नहीं सीख पाएगा, गुंगा का गुंगा ही रह जाएगा। तो माता पिता दादा दादी सब सिखाते हैं बोलने के लिए, एक शब्द बताते हैं इसका क्या अर्थ होता है। बच्चा बड़ा होता है चार पांच साल का
विद्यालय में पढ़ने जाता है, वहां शिक्षक उसे अक्षर ज्ञान कराते हैं, अक्षर ज्ञान कराने के साथ साथ भाषा की पढ़ाई कराते हैं। और विद्यालय में तो भाषा का ज्ञान, इतिहास का, भूगोल का, गणित का ज्ञान अध्यापक देते हैं, डॉक्टरी का, इंजीनियरिंग का, वकालत का, राजनीति का, बहुत क्षेत्रों का ज्ञान विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। और जितने प्रकार की पढ़ाई होती है विद्यालयों में, और जिसे आदमी कई साल तक, 15-20 साल तक पढ़ता रहता है, उन सारी पढ़ाइयों से आदमी के जीवन निर्वाह में ही सुविधा मिलती है। कृषि का ज्ञान किया तो उसे अन्न मिल गया, खेती करने लगा तो, डॉक्टरी करने लगा, रोगी आए तो उससे पैसा मिला, जीवन गुजर हुआ, नौकरी किया तो पैसा मिला, जीवन गुजर हुआ, दुकान किया, सामान बिका, उससे पैसा मिला, जीवन गुजर हुआ। तो भौतिक जितना भी ज्ञान है उससे केवल जीवन गुजर हो जाता है, और यह भी जरूरी है, जीवन गुजर भी आवश्यक है, लेकिन जितनी पढ़ाई हम घर में पढ़ते हैं, माता पिता, दादा दादी से, संबंधियों से, या विद्यालयों में जाकर, किसी भी पढ़ाई से हमारे मन का दुख दूर नहीं होता है। बाहर की जितनी पढ़ाई है, बड़े बड़े कॉलेज और विश्वविद्यालय, उनकी पढ़ाई से हमारे मन की जलन मिटती नहीं है, मन में शांति नहीं आती है। जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें ये जीवन क्यों मिला, किसके लिए मिला, कैसे जीवन जीना चाहिए, और जिसके लिए जीवन मिला है उसकी प्राप्ति कैसे होगी, उसके साधन क्या है, किसी विद्यालय में इसका ज्ञान नहीं दिया जाता। इसलिए आदमी बाहर बहुत पढ़ा लिखा होने के बाद भी बहुत धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा से संपन्न होने के बाद भी दुखी का दुखी बना रहता है। बिरले बिरले ऐसे लोग हों जिनके मन की जलन शांत हो चुकी हो, नहीं तो हर आदमी भीतर भीतर जल रहा है। जलन का कारण अलग अलग हो सकता है, लेकिन मूल कारण है अविद्या, समझ की कमी। अविद्या मूल है, अविद्या अज्ञान। अविद्या का अर्थ क्या है, उल्टी समझ, जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना अविद्या है, इसे अज्ञान भी कहते हैं। ज्ञान का अभाव अज्ञान है, लेकिन अज्ञान क्या है, तथ्य को न जानना, सत्य को न पहचानना, सही को गलत मानना, गलत को सही मानना, यह अज्ञान है। और किसी विद्यालय में इसकी पढ़ाई नहीं होती है, अध्यापक को खुद ही मालूम नहीं है। विद्यालय की सारी पढ़ाई केवल शरीर तक, पेट और भोग, बस विद्यालयों की पढ़ाई के केंद्र में ये दो हैं। और पशु पक्षी बिना पढ़े ही इसमें निपुण है, होशियार है, उन्हें पढ़ाना नहीं पड़ता है। आदमी भी इतने में रुक गया तो आदमी की विशेषता क्या हुई। जीवन का लक्ष्य है
स्वयं को जानना और ये जानना कि कहां कहां से किन किन बातों से किन किन कर्मों से मुझे पीड़ा मिलती है, मुझे दुख का अनुभव मिलता है। हर आदमी दुख का अनुभव तो कर रहा है, हर आदमी दुखी है। करोड़ों में कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो ये कह सकता हो कि मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, मेरे मन का पूरा दुख समाप्त हो गया है। शरीर में रोग आ जाता है तो शारीरिक दुख है, वो खाई खास नहीं है। शरीर के रोग को, शरीर के दुख को हम दुख नहीं कहते, शरीर के उसको कहा जाता है कष्ट। कष्ट और दुख में अंतर होता है। कष्ट होता है शारीरिक स्तर पर, दुख होता है मानसिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर कष्ट होते हुए भी मानसिक स्तर पर आदमी सुखी हो सकता है, और शारीरिक स्तर पर बाहर से भला चंगा सुविधा संपन्न दिखते हुए भी आदमी मन से दुखी हो सकता है। एक दुकानदार है, सामान बेचता है। दुकानदार ने दुकान खोली और ग्राहक आने लगे। ग्राहक आते गए आते गए आते गए आते गए। दुकानदार किसी को कोई सामान देता है, किसी कोई सामान देता है, किसी कोई सामान देता है, पैसा लेता है, भाव बताता है, बात करता है, और ऐसा करते करते जरा भी फुर्सत नहीं मिलती। 2 बज गए, 3 बज गए, गर्मी के दिन, शरीर से पसीना भी निकल रहा है क्योंकि फुर्सत नहीं, यार बत्ती नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है, इसलिए गर्मी लग रही, शरीर से पसीना आ रहा है, भूख लगी हुई है, भोजन रखा हुआ है। ग्राहक आए हैं, ग्राहक कर रहे हैं, सेठ जी हमें जल्दी से जल्दी जाना है, हमारा सामान दो। सामान को दिखाने में, बंद करने में, पैक करने में, तौलने में दुकानदार को कष्ट हो रहा है। खड़े खड़े है, बैठने की फुर्सत नहीं है, तो खाने की फुर्सत कहां से होगी। शाम हो गए, खाने को नहीं मिला, पानी पीने भी बराबर नहीं मिला, शरीर को कष्ट हो रहा है, लेकिन दुकानदार दुखी नहीं है, बड़ा प्रसन्न है कि आज मेरा माल खूब बिक रहा, बड़ा मुनाफा हो रहा है। शरीर से कष्ट है, मन से दुखी नहीं, मन से बड़ा प्रसन्न है। किसान खेती करता है, घोर अंधेरी रात और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ऐसी अंधेरी रात में किसान को खेत जाना पड़ता है पानी लगाने के लिए, खेत सींचने के लिए। पश्चिमी हवा चल रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, एक फटा कंबल ओढ़कर जलती हुई लालटेन लेकर किसान जाता है, पानी चलाता है, लेकिन किसान शरीर को कष्ट हो रहा है, क्योंकि सब लोग रजाई ओढ़कर घर में सोए हुए हैं, कमरे में बंद दुबके हुए हैं, और किसान को अंधेरी रात में, ठंडी रात में, आधी रात को खेत जाना पड़ रहा है, कष्ट हो रहा है। लेकिन किसान देखता है कि खेत में गेहूं की फसल बहुत बढ़िया है, किसान को बड़ा आनंद होता है, दुख नहीं होता है उसे, कष्ट हो रहा है। कोई हमारा बहुत प्यारा मित्र, जिससे हम बहुत दिनों से बिछड़े हुए हैं, आ रहा है, उनका पत्र मिला है, उनका फोन आ गया कि अमुक गाड़ी से मैं अमुक समय स्टेशन पर उतरूंगा, और जो समय बताया दोपहर का समय, खूब गर्मी पड़ रही है, सूरज आकाश से तप रहा है, धरती तपी हुई है, गरम गरम हवा चल रही है, ऐसे में पैदल चलकर या साइकिल से या किसी बस से हम यात्रा कर रहे हैं, शरीर से बधिना से शरीर तरबतर है, कष्ट हो रहा है, लेकिन मित्र से मिलने का जो आनंद है, कष्ट को भुला देता है। तो कष्ट अलग है,
दुख अलग है। कष्ट होता है शरीर से, दुख होता है मन से। एक व्यक्ति है बड़ा सेठ है, बड़ा मकान, खूब नौकर चाकर, एयर कंडीशन लगा हुआ है, मकान एकदम ठंडा है, सारी सुविधाएं हैं, कोई कष्ट नहीं है। इतने में फोन आया और उसके मैनेजर ने बताया कि अमुक व्यापार में 5 लाख का घाटा हो गया। सेठ जी दुखी हो गए। कष्ट कहां हो रहा है, शरीर को हो रहा है कि मन को हो रहा है? तो कष्ट अलग है, दुख अलग है। शारीरिक स्तर पर सुविधा संपन्न दिखता हुआ आदमी भी मन से दुखी बना हुआ है। और ये मन का दुख धन से नहीं मिटेगा, मन का दुख पढ़ाई से नहीं मिटेगा, मन का दुख बड़ा पद पाने से नहीं मिटेगा, बड़ी प्रतिष्ठा हो जाने से, गुरु बाबा महंत बन जाने से, खूब आरती वंदना होने से नहीं मिटेगा। बड़े बड़े अफसर जिनको देख करके युवकों के मन में होता है कि ऐसे अफसर हम भी बन जाते तो कितना बढ़िया होता, और वे अफसर बिचारे मन से इतने दुखी हैं, कहते महाराज क्या कहें, रात दिन जलना पड़ रहा है, जलता रहता हूं। ये पद पहले तो बड़ी आशा थी कि ऐसा पद मिले तो बड़ा सुखी हो जाऊंगा, लेकिन जब से पद मिला है मन को कहीं चैन नहीं है। पद क्या करेगा, जो काम करना चाहिए था मन को निर्मल बनाने का, पवित्र बनाने का, अपने मन के विकारों को दूर करने का, वह काम नहीं किया गया। और क्यों नहीं किया गया, कि उसकी पढ़ाई नहीं हुई, उसका ज्ञान नहीं मिला। उसका ज्ञान तो मिलता है संतों के द्वारा। सत्संग वह विद्यालय है जिस विद्यालय से हमें स्वयं का ज्ञान होता है, दुख के कारणों का ज्ञान होता है, और दुख कैसे मिटे इस विधि का, इस उपाय का भी ज्ञान होता है। मैंने कहा था कि बाहर से संपन्न दिखता हुआ आदमी भी दुखी है। साहब ने कहा है कि बहुत दुख 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 की खानी, संसार ये पूरा संसार कैसा है, दुखों की खान है। खान कहते हैं उत्पत्ति स्थान को, कहीं लोहे की खान होती है, कहीं सोने की खान, कहीं अभ्रक की खान, कहीं कोयले की खान, अनेक प्रकार की खान। और जहां जिसकी खान है वहां से वह चीज प्रचुर मात्रा में पैदा होती है। साहब कहते हैं अविद्या, ये विषय विकार दुखों की खान। और दुख मैंने कहा था मन से होता है, सब संपन्न है लेकिन मन कुछ चाहता और है, और जैसा मन चाहता है वैसा नहीं होता, बस दुख शुरू होता है। अब इस दुख को कहे किससे, कहे तो कोई उपाय भी नहीं है। बड़े बड़े सेठों को देख करके हमें ये लगता है कि ये सेठ बड़े सुखी होंगे, लेकिन उनका दुख अपने ढंग का दुख है। गरीब भी दुखी है और धनवान भी दुखी है। जो धनवान का ये महासेठ, अरबपति खरबपति, वे भी दुखी हैं। लेकिन दुख में थोड़ा फर्क है। गुरुदेव जी कहा करते हैं कभी कभी, गरीब भी दुखी है और करोड़पति अरबपति भी दुखी, लेकिन दुख का अंतर क्या है? जो गरीब हैं उनके पास किलो, 2 किलो 4 किलो दुख है, और जो बड़े सेठ उनके पास किसी के पास 10 क्विंटल, किसी के पास 20 क्विंटल, और किसी के पास 50 क्विंटल दुख है।
बस फर्क इतना है, गरीब का दुख थोड़ा है, धनवानों का दुख ज्यादा है। एक बहुत बड़े सेठ, कई फैक्ट्रियां, उसके दो बच्चे हैं, बड़ा बच्चा आधा पागल है और छोटा बच्चा जन्म से रोगी है। अब क्या करेगा धन इस दुख को, दुख दूर कर पाएगा इसको है? एक दूसरा सेठ, बहुत बड़ा सेठ, कई दुकानें हैं, उसके दो बच्चे, बड़ा बच्चा घोड़ फराबी और छोटा बच्चा घोड़ जुआड़ी। अब क्या करेगा सेठ बेचारा? अब इस दुख को वो बता कहे भी किससे, दूर कैसा हो सकता है? तो ये जो दुख है बाहर का दुख है, प्रकृति का दुख है। अब इसमें भी समाधान नहीं किया जाता है, वो दुख यहां पे होता है। तो बाहर का जो वातावरण है वो सब हमारे मन के अनुकूल हो नहीं सकता। और हम इस चाहते क्या हैं? जो कुछ घटना प्रकृति में घटे वो सब हमारे मन के अनुकूल हो। संभव कैसे है? और मन का अनुकूल नहीं हुआ, दुख शुरू हो गया। किसके मन के अनुकूल हुआ है? इस दुनिया में कौन ऐसा महापुरुष हुआ है जिसके मन के अनुकूल सब कुछ हुआ हो? जिन्हें आप भगवान कहते हैं उसके मन के अनुकूल क्या हुआ सब कुछ? किसी के मन का अनुकूल नहीं हुआ। हमें जो कुछ घटना घट रही है, अच्छी घटना हो बुरी घटना हो, उस घटना से अपने को तटस्थ रखना होगा। घटना को स्वीकार करें, सुख से जीने का तरीका यही है, उस घटना को हम स्वीकार कर लें। कोई हमारा अत्यंत प्रिय व्यक्ति, अत्यंत प्यारा, जिसके बिना हम एक दिन भी रह नहीं पाते थे, इतना प्यारा, अचानक उसकी मौत हो गई। अब उससे हम बड़े व्याकुल हो गए, बहुत पीड़ित, बहुत विलाप करते हैं। तो ये जितना विलाप करेंगे हमारा दुख बढ़ेगा, क्योंकि विलाप करने से जो जिसकी मौत हुई है अब वो जीवित हो नहीं सकता। यदि रोने से, किसी के रोने से मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो जाए तो हमें भी बुला लीजिएगा, हम भी रो लेंगे एक आध दो घंटा, सहयोग करेंगे। क्योंकि जीवित हो जाएगा मरा हुआ व्यक्ति तो अच्छा ही है ना, लेकिन रोने से कौन जीवित होता है? हाँ, होता क्या है, यदि जो व्यक्ति मर गया है उसके विरह में हम अत्यंत व्याकुल हैं और दुखी हैं तो घाटा क्या होगा? रोने से मरा हुआ व्यक्ति लौट करके आ नहीं सकता और दुखी रहने से जो जीवित हैं उनकी सेवा हो नहीं सकती। अब करना क्या, हमारा कर्तव्य क्या होता है? जो घटना घट गई, मर गई, कोई व्यक्ति मर गया, उसको स्वीकार करें, ये तो प्रकृति का नियम है। जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मौत होगी, सब कुछ अनिश्चित है दुनिया में, किसी को हम गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन एक निश्चित, एक ज्योतिषी के पास एक युवक पहुंचा और कहा, ज्योतिषी जी, पंडित महाराज, मेरा ग्रह लगन देखिए और मेरी कुंडली देखिए, मेरा हाथ देखिए, मेरे भाग्य रेखा देखिए, और ये बताइए कि मैं खुद पढ़ लिख करके विद्वान बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। ज्योतिषी ने कहा, यदि तुम पढ़ाई में मन लगाए
और खूब मन लगा करके पढ़ाई किए तो विद्वान तो बन सकते हो, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता, गारंटी पूर्वक नहीं कर सकता तुम विद्वान बनोगे ही बनोगे, गारंटी नहीं है। अच्छा ये बताओ, मैं खुद धनवान बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा? तो कहा, यदि तुम खूब परिश्रम किए और जो परिश्रम से पैसा मिला उसमें संयम पूर्वक थोड़े में खर्च करते रहे और पैसा बटोरते रहे तो धनवान बन भी सकते हो, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता कि तुम धनवान बनोगे बने, गारंटी नहीं दे सकता। तो कहे बताओ कि मैं बलवान बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, खूब बलवान पहलवान हो जाऊं? कहे कि खूब कुश्ती लड़ो, कसरत करो, दौड़ करो, पौष्टिक चीज खाओ, संयम से रहो, तो हो सकता है तुम बलवान और पहलवान बन जाओ, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता। दो तीन बातें और कुछ है सब में, जो किसी ने कहा कि गारंटी दे नहीं सकता, तो युवक झल्ला गया। अब हर बात में कहते हैं कि गारंटी नहीं दे सकता, गारंटी नहीं दे सकता, आखिर किसी गारंटी हर बात है कि नहीं है? तो ज्योतिषी ने कहा हाँ है, एक चीज गारंटी है। कि क्या चीज है? तुम्हारी मौत जरूर होगी। और गारंटी दे सकते, इतना गारंटी दे सकते, तुम्हारी मौत जरूर होगी। कोई गारंटी दे या न दे तो होना ही होना है। तो कोई प्री मर गया, हम चाहते तो नहीं थे, हमारा काम था सेवा करना, फिर भी शरीर छूट गया, तो अब क्या करें? उसको स्वीकार करें, भाई प्रकृति में होना था, हो गया। अरे जिसके लिए हम रो रहे हैं वो तो लौटेंगे नहीं, हम ये सोचें कि एक दिन ऐसे ही मेरी भी मौत होनी है। एक संत ने लिखा है कि सड़क से किसी की अर्थी को गुजरते हुए देखकर यह मत कहना कि बेचारा दुनिया से चला गया, किंतु यह सोचना कि एक दिन मेरी भी अर्थी सी सड़क से गुजरेगी और लोग सड़क पर खड़े होकर तमाशा देखेंगे, उस दिन को देख लें तो दुख खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो होना ही होना है, हम चाहते नहीं हैं लेकिन होना ही होना है। हकीकत को स्वीकार करें, जो होनी है होकर रहेगी उसको स्वीकार करें, तो आधा दुख खत्म होगा। और फिर क्या करें आधा दुख के लिए? जिन जिन कर्मों से, जिन जिन चिंतनों से, जिन जिन बात और व्यवहार से हमारे मन में विकार बढ़ता है, हमारा मन अशांत होता है, उन उन कर्मों का, उन उन बात व्यवहार का, उन उन चिंतनों का त्याग करें। गलत बोलकर, गलत खाकर और गलत काम करके आदमी को केवल पीड़ा मिलती है, केवल दुख मिलता है। सुख से जीने का तरीका क्या है? व्यवहार में और परमार्थ में। जिस घर में आप रहते हैं उस घर में सुख से कैसे जिए, और आपके द्वारा आपके घर में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी कैसे सुख और प्रसन्नता मिले, इसका उपाय क्या है? गलत न बोले, पहली बात है। गलत व्यवहार न करें। अब प्रश्न होता है कि गलत बात क्या है और गलत व्यवहार क्या है? हर बात, हर आदमी तो यही समझता है कि जो मैं बोलता हूं उचित ही बोलता हूं। कोई ये कहता है कि जो मैं बोलता हूं वो गलत बोलता हूं? गलत बोलने वाला आदमी भी यही कहता है कि जो मैं बोल रहा हूं यही सही है, और जैसा व्यवहार मैं कर रहा हूं, जैसा काम मैं कर रहा हूं यही सही है। हर कोई तो अपने व्यवहार को, अपने बात को, अपने कर्म को सही मानता ही मानता है, और कहा यह जा रहा है कि गलत न बोले, तो गलत बात है क्या? पहचान क्या है गलत बात की? गलत व्यवहार, हर कोई कहता है कि मैं गलत व्यवहार नहीं करता, मेरा व्यवहार बिल्कुल सही है, तो पहचान क्या है गलत व्यवहार की? बस एक पहचान,
गलत बात क्या है? जो बात आप कहने जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं, वही बात दूसरा आपको कहे, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपका पिता, आपकी सास, आपकी बहू, वही बात आपको कहे, तो आपको कैसे लगेगा? यदि ये लगता है कि जो बात मैं कहने जा रहा हूं दूसरा आदमी मुझे कहेगा तो बात मुझे गलत लगेगी, समझ लो ये गलत बात है, वो बात मत बोलो कभी। जो व्यवहार आप करने जा रहे हैं वही व्यवहार घर के दूसरे सदस्य लोग करें, बेटा, पिता, पुत्र, माता, बहन, कोई भी, पत्नी, कोई भी, जैसा व्यवहार आप करने जा रहे हैं वैसा व्यवहार वो करते हैं तो आपको कैसा लगेगा? गलत लगेगा तो समझ जाए कि जो बात मैं करने जा रहा हूं ये काम गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। अच्छा लगेगा, बेधड़क होकर करो। जो बात आप कहने जा रहे हैं अपने बेटे से, आपका बेटा वही बात कह दे और लगेगा कि बात मुझे बहुत बढ़िया लगेगी, बेधड़क होकर बात बोलो, फिर गड़बड़ी नहीं आएगी। तो बोलने के पहले सोच लें, अब सोच करके बोलेंगे तो गलत बात जबान से नहीं निकलेगी। अब गलत बात जबान से नहीं निकलेगी तो आपका मन शांत रहेगा और आपकी बात से घर वालों के मन में भी प्रसन्नता रहेगी, शांत रहेगी, उनका मन किसी को पीड़ा नहीं होगी। ऐसा व्यवहार करो, ऐसा काम करो, अपने को केंद्र में रखें कि यही काम मुझे कैसा लगेगा, तब आप गलत व्यवहार नहीं कर पाएंगे, तो आपका व्यवहारिक जो दुख है खत्म हो जाएगा। गलत चिंतन ना करें, जो कुछ हम सोचते हैं उसी से हमारे जीवन का निर्माण होता है। गलत सोच सोच करके हमारा दुख बढ़ता है। किसी के लिए राग कर लिए, किसी के लिए द्वेष कर लिए, किसी शत्रु मान लिए, किसी को बैरी मान लिए, किसी को ईर्ष्यालु मान लिए, किसी को अपना मित्र मान लिए, अब राग द्वेष पूर्वक चिंतन चलने लग गया, और भी तमाम प्रकार के ऐसा चिंतन जिससे मन में केवल विकार उत्पन्न हो, क्या मतलब होता है उसे चिंतन? तथ्य को सोचें, जो होने वाली है, जो होकर रहना है उसको सोचें, तो वाणी पर संयम हो, तन पर संयम हो और मन पर संयम हो, और साथ साथ इनके जो दोष हैं इनके दोषों का परिमार्जन हो, और फिर आत्मा का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान हो, फिर दुख खत्म। दुख मुक्ति का एक ही रास्ता है, अपना ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। और स्वयं के ज्ञान करते क्या है, ये नहीं कि मैं अमुक आदमी हूं। किसी पूछा जाता आपका परिचय, बताता मैं अमुक हूं। सारा हमारा परिचय शरीर का होता है, शरीर का ज्ञान नहीं। शरीर का परिचय वो तो व्यवहार के लिए है। ये शरीर जो दिखाई पड़ रहा है ये तो एक नकल है, आवरण है, मिट्टी, पानी, आग, हवा से निर्मित है, पंच भौतिक जड़ तत्वों से निर्मित जड़ है। इसके भीतर रहने वाला जो चेतन है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, रूह, सोल, गाड आदि कहते हैं, वह अविनाशी, वही आप हैं। शरीर जब नहीं था तब भी आप थे, शरीर नहीं रहेगा तब भी आप रहेंगे, उसे राम भी कहा साहब ने। तो अपने आप का ज्ञान कि मैं शुद्ध बुद्ध अविनाशी अजर अमर आत्मा हूं, इसका ज्ञान हूं। इसका ज्ञान होने पर भटकाव नहीं होगा। इसका ज्ञान न होने के कारण से आदमी जगह जगह भटकता है, कहां कहां भूत प्रेत देवी देवता चीन जुड़े और जादू टोना ग्रह लगन मुहूर्त तमाम जगह भ्रम में भटका हुआ है। और जब स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा सारे भ्रम और कल्पना समाप्त हो जाएंगे। और फिर इसके अपने ज्ञान होने के बाद आत्मसंयम, अपने आप पर नियंत्रण, ऐसे सारे कर्मों का त्याग जिससे मन विकारी हो और दूसरों को पीड़ा होती हो, बस ये काम करना है। साहब ने इसको एक शब्द में थोड़े में कहा है, रहु संहारे राम विचारे कहता हूं जो पुकारे हो। राम का विचार करो,
जिस राम को मैं खोज रहा हूँ, जिस परमात्मा को, ब्रह्म को, खुदा को, गाड को मैं खोज रहा हूँ, वो राम मेरा ही अपना आपा है, मैं खुद राम रूप हूँ। ऐसा जाने ये शरीर मिटेगा कि मेरा नाश नहीं होगा, मैं अनाशी हूँ, अजर अमर हूँ। और ऐसा जान करके अपने आप को संभाल करके रखें। संभाल करके रखने का अर्थ है हर जगह संयम रखना। इतना जब हो जाएगा तब दुख खत्म हो जाएगा। और इसकी पढ़ाई बाहरी किसी विद्यालय में नहीं होती है, इसकी पढ़ाई होती है संतों के बीच में, सत्संग रूपी विद्यालय में। यहाँ की पढ़ाई अध्यात्म की पढ़ाई है। और इसी पढ़ाई के अभाव में ही हर आदमी दुखी बना हुआ है। इसलिए सभी संतों ने सत्संग पर जोर दिया है,